उसके पास दो ही रास्ता है, या वो कोर्ट को अटेंड करेगा, जो हमारा एडवोकेट्स हैं उनको फॉलो करेगा, या उसको सामने आके पब्लिक को माफी मांगना होगा। मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा, ये कहना है किफायत जाफरी का। जिस तरह से कल सोशल मीडिया पे एक और कंट्रोवर्सी सामने आई, जिसमें इसके नाम एक लीगल नोटिस भेजा गया है, लेकिन इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किफायत साहब, सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया। जिस तरह से कुछ दिन पहले आपने कुछ यूट्यूबर्स के नाम लीगल नोटिस भेजा था, लेकिन इस चीज को आप मानते थे कि हमें किसी को डिफेम नहीं करना है। हाँ। लेकिन आपने फिर उस शख्स को डिफेम करने की कोशिश क्यों की? क्या आपने हकीकतन में उसको डिफेम किया है? देखो, जब पहले कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई ना, तो बाथरूम यूट्यूबर्स के ट्रेंड चला। मैं तो बाथरूम को एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, एजुकेट कर रहा हूँ ना बाथरूम को लेके। अगर बाथरूम नहीं होगा तो मेरा काम बैठ जाएगा ना। मेरा काम बाथरूम को रिलेटेड है, मेरा कंटेंट बाथरूम को रिलेटेड है, तो बाथरूम यूट्यूबर कौन है? अगर उसको किसी को टारगेट कर रहा था बाथरूम वाला, अगर वो बोल सकता था बाथरूम यूट्यूबर नहीं, बाथरूम यूट्यूबर सीधा हम पे आना चाहिए। हम तीन लोग हैं कश्मीर के अंदर जो बाथरूम को एक्सप्लेन कर रही है। यानी आप मानते हैं कि मैं एक बाथरूम यूट्यूबर? बिल्कुल हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में बोलूंगा कि मैं हूँ, लेकिन वो कैसे मुझे टैग दे सकते हैं कि ही इज अ बाथरूम यूट्यूबर? मुझे राइट है कि मैं अपने आपको सीना ठोक के कह सकता हूँ कि मैं बाथरूम यूट्यूबर हूँ, मगर कोई बंदा मुझे नहीं बोल सकता है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेटिक इंडिया है, ये शुरकी नहीं है। यहाँ पे ये बच्चे जैसे हरकतें चलेंगे कहीं पे, घर के अंदर, मार्केट के अंदर नहीं, कोर्ट के अंदर नहीं। और सबसे बड़ी गलती जो उसने कल की, अगर लीगल नोटिस मैंने भी दिया है लोगों को, मैंने एविडेंस के साथ लीगल नोटिस दी, उसके पीछे उनकी सारा एविडेंस था। मेरे पास जो लीगल नोटिस आई उसमें कोई एविडेंस ही नहीं है। दूसरी बात, कल छुट्टी थी कोर्ट की, लीगल नोटिस निकली कहां से? ये कहीं ना कहीं ये इलीगल गेम चल रही है। तो उसके बाद अगर उसने जो भी किया था, मैं उसको फॉलो करता कोर्ट में। अगर लीगल उसमें बात आई, लीगल नोटिस उसमें भेजी, तो लीगली फॉलो करना था ना। उसके बाद उसने क्राइम कैसे किया, उसने मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कैसे किया सोशल मीडिया पे? मेरे पास एविडेंसेस पड़े हैं, मैं साइबर को मैंने दिया कल, मैंने अपने एडवोकेट को दिया। हम भी यहां पे बचे नहीं है, हम लड़ेंगे आगे। आपने कल एक वीडियो भी सामने लाया था जिसमें आपने कहा था कि मेरी जो प्राइवेसी है, मैं मानता हूं कि मुझे खतरा है। किस चीज का खतरा था? खतरा इस चीज का है कि देखो, अगर कोशिश मानो मैंने कोई क्राइम किया है, मुझे कौन प्रूव करता है? कोर्ट में उसको कोर्ट के जरिए से मुझे पुनिश होगा ना। कोई इंडिविजुअल पुनिश नहीं कर सकता है मुझे। अगर कोई इंडिविजुअल पुनिश करना चाहेगा, दैट इज टोटली इलीगल। उसने कल तमाम पब्लिक के सामने मेरा डिस्क्लोज किया, प्राइवेसी, बाकी चीजें, उससे खतरा मुझे यह है कि अभी भी खतरा है। मैं आपके सामने हूँ, यहाँ से निकल के मुझे पता नहीं कि क्या होगा मेरे साथ। उसको 8 साल के बच्चे फॉलो कर रहे हैं, 8 साल के बच्चे को नहीं ना पता कि कानून क्या है। वो मुझे पत्थर मार सकता है उसके बच्चे। वो रॉन्ग इन्फ्लुएंस करता है, वो एक ट्रेंड चलाता है दूसरे बंदे के खिलाफ। अच्छा, ये मानते हैं आपकी उसे मेरा नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं करना था, जो भी था वो कर ही नहीं सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कर ही नहीं सकता है किसी को डिस्क्लोज। वो मेरा फेस रिवील नहीं कर सकता है अपनी चैनल पे, मेरा नाम नहीं ले सकता वो अपनी चैनल पे। उसके बाद बदले क्या क्या है उसने? उसने सारा क्राइम किया, अब उसको देखना पड़ेगा आगे। अब आगे वो खुद जवाब देगा कोर्ट में। उसके पास दो ही रास्ता है, या वो कोर्ट को अटेंड करेगा, जो हमारा एडवोकेट्स हैं उनको फॉलो करेगा, या उसको सामने आके पब्लिक को माफी मांगना होगा। सिंपल तरीका है। आपने ये भी पहले बताया कि ये जो जितना भी ये हो रहा है, ये फॉलोवर्स को लेके हो रहा है, ये सारा फॉलोवर्स को लेके ट्रेंड है। देखो, मेरा काम, मैं एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं ऑर्गेनिक दे रहा हूं। एक सब्जी के बेचने वाला लोग और दूसरे साइड से एक सोना बेचने वाला लोग। सब्जी बेचने वाले को खतरा रहता है कि मेरा सब्जी खराब हो जाएगा। वो सस्ते में दे सकता है, वो भाव कम कर सकता है, लेकिन सोना इंटरनेशनल मार्केट होता है सोने का, वो अपने बाल पे नहीं बेच सकता, न चढ़ा सकता है न गिरा सकता है। तो वही डिफरेंस है यहाँ पे भी। वो एक कॉमेडियन कंटेंट क्रिएटर है, मैं एक एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर हूँ। डिफरेंस तो है। लोग जो माशाल्लाह पढ़े लिखे यूथ है, जो माशाल्लाह लेजेंड्स लोग हैं, वो मुझे फॉलो करते हैं। मुझे बच्चे लोग फॉलो नहीं करते हैं। मेरे ऑडियंस के साइड से देखो, किसी एक ने नेगेटिव कमेंट नहीं किया होगा उसको। उसकी साइड से देखो, उससे वहां पे सीधा पता चलता है कि दे आर इलिटरेटेड फॉलोवर। वो मैं उनको फॉलोअर्स नहीं कह रहा हूं। मैंने कल भी अपनी पेज पे पोस्ट किया कि अननेसेसरी मुझे फॉलो ना करें, क्योंकि जब कोई हाइप होती है किसी चीज को, इसमें फायदा होता है, फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूं। मैं वो ऑडियंस चाहता हूं जो ऑर्गेनिक होगा, जो रियल होगा, जिनको मैं इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा। मैंने सिंपली मानते हैं आपके, मैंने कोई गलती नहीं की है, उसके पास सारे वो प्रूफ्स होने चाहिए कि जो जिस पे उसने मुझे लीगल नोटिस भेजा। अगर उसके पास प्रूफ होता तो वो कल इसमें भेजता, लीगल नोटिस में भेजता। अगर अब उसके पास होगा भी, कोई मैंने गलती की भी होगी, वो कोर्ट के अंदर जाएगा। लेकिन उसने जो कॉल किया, पहले उसका जवाब दे। उसने क्राइम किया, उसने कैसे पब्लिक के सामने मेरा सारा प्राइवेसी डिस्क्लोज किया? खुदा ना करे अगर मुझे मेरे बच्चों को कुछ होगा, जिम्मेदार वो है। बहुत बहुत शुक्रिया, चलो थैंक यू। तो हमारे साथ किफायत जाफरी थे, जो कि हम जानते हैं
कि इसका एक पेज चल रहा है किफायत जाफरी स्पीक, जिसमें लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं प्लम्बर में, कोई भी काम ऐसा होता है जिसमें वो ज्यादातर नुक्स निकालते हैं कि इस शख्स ने ये गलती की है, लेकिन इसका मानना है कि मैं मानता हूं कि अगर उसे लीगल नोटिस भेजनी थी लेकिन उसने मेरी प्राइवेसी को डिस्क्लोज किया है जिसका कानून जो है इजाजत नहीं देता है, और इसका यह भी कहना है कि अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा मैं जाने के लिए तैयार हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक दीजिए आबिद इब्राहिम को इजाजत, खुदा हाफिज।